अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहसन मुजतबा और मैं आपको अपने चैनल एहसन मुजतबा चांग में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि मैं समरीज का लेक्चर देता हूँ, एक दो मंथ से मैंने लेक्चर नहीं दिया कुछ इश्यूज थे टेक्निकली, और अब मैं जो टॉपिक लाया हूँ आपके लिए वो है लाइन्स फ्राम एंडीमैन। लाइन्स फ्राम एंडीमैन वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट पोएट। ही वॉज बॉर्न इन 1795। अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वॉज 26 ईयर्स ओल्ड ही डाइड एंड वी लॉस्ट अ ग्रेट पोएट ऑफ दैट टाइम ऑफ 18 and 19 सेंचुरी। ही फर्स्ट स्टडीड इन एंसफील्ड स्कूल वेयर हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल इंस्पायर्ड हिज पैशन फॉर लिटरेचर। ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही वॉज डाइड। ही रॉट दिस पोएम वेरी डीपली विथ वेरी डीपली लेसन एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस लेसन मीन्स ऑल्सो द समरी बट टू अ स्टोरी। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते कि हम जो है इनकी मीनिंग जो लाइन्स की मीनिंग है पोएम की वो कैसे निकालें। अगर आप स्टोरी को समझ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप जाके विदाउट एनी गाइडेंस बुक जाके पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन की मीनिंग आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शायर कहता है कि जो इसकी जो खुशियाँ हैं ब्यूटी ऑफ द थिंग्स हैं वो हमेशा मसरत का बाइस बनती है, मतलब कि हमेशा खुशी देती है, और जो ब्यूटी है हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती है, और जो खुशी है वो हमेशा के लिए बढ़ती रहती है और खुशियाँ देती रहती है, और हमें एक जो सेहतमंद या तंदुरुस्त एक आदमी जो है वो इसलिए सेहतमंद है क्योंकि उसको खुशियाँ हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ देख लें अपने इलाके या अपने अराउंड में, आप जहाँ भी अराउंड में देख लें तो वो आदमी सेहतमंद नहीं होगा जो टेंशन में घिरा होगा, मतलब कि उसको खुशी नहीं मिली होगी, वो टेंशन उसको जो अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, इसलिए वो जो है ना वो टेंशन में चला जाता है, फिर वो सेहतमंद नहीं रहता, मीन्स हेल्थ उसकी जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यही सबब है जो सेहतमंद है सेहत है वो इसीलिए ही हमें होती है कि हमें ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो सेहतमंद रहती हैं, उनकी जो खुशी होती है ना वो हमें मिलती है तो हमें सेहतमंद रखती है। दूसरी चीज़ जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें एक मीठी मतलब कि एक बहुत अच्छी नींद देती हैं, नींद का स्लीप देती हैं, ये जो स्लीप देती हैं और हमें मीठे मीठे ख्वाब फराहम करती हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है इसकी, ये फर्स्ट फोर लेसन की है, आगे जो ये जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दी पोएम है और आगे आपको मैं बता दूँ। शायर कहता है कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ें दुनिया में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, उनको हमें हमेशा बढ़ाता रहना चाहिए, खुशियां हमें देखनी रहनी चाहिए, हमेशा हर चीज़ में खुशी होती है, हर चीज़ में ब्यूटी होती है, हर चीज़ में खूबसूरती होती है, हमें उनको देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो खुशी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो मुतासर किसी भी चीज़ नहीं से नहीं होती, वो कभी मुतासर नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं, तो हमें भी उनको देखकर उन ब्यूटीफुल देख के खुशी मिलती है, तो हमें चाहिए कि हम उन ब्यूटीफुल थिंग्स को ढूंढते रहें। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर अराउंड हमारे जो भी जहाँ भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हम उनको हमेशा ढूंढते रहें। तो यह शायर ने यह कहा है कि पोएट सेज दैट द मून द सन एंड द अदर रिवर्स ओशंस एंड द अदर थिंग्स आर द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड दे मेड अस हैप्पी। वो हमको खुशियाँ देती हैं, और जब हम खुशियाँ देती हैं तो सिर्फ वही खुशियाँ नहीं देती हैं जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, यही चीज़ें खुशियाँ नहीं दी,
उसके अलावा इन कुदरती चीज़ों के अलावा अल्लाह की तरफ से एक वो अजीम बंदे, वो अजीम पर्सन, वो अजीम पीपल आते हैं जो हमें सिर्फ वो अपने लिए काम नहीं करते, वो पीपल की, वो कम्युनिटी की, अपनी आसपास के लोगों की, अपनी रिलेटिव्स की, अपनी फ्रेंड्स की खिदमत करते हैं। वो भी चीज़, वो भी जो लोग हैं वो भी हमारी खुशी का बायस बनते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें और उन ऐसे बंदों को सर्च करें, उनकी ऐसे बंदों को सर्च करें जो इसमें शामिल होते हैं। तो यही है इसकी स्टोरी, आपको मैंने ये बताई सिंपली तौर पे। अब अगर आप अपनी पोएम पे जाके मीनिंग सर्च करेंगे तो एज इट यही मीनिंग है, कोई मसला नहीं होगा आप सर्च कर में। ओके, थैंक्स फ्रेंड।